Hi guys, welcome to my channel. If you're new here, my name is Namita Bharali. So in today's video, I'm going to show you how I cut my own hair at home. On camera मैं दिखाऊंगी ये hair look मैंने कैसे achieve किया. On camera मैं अपने hair को cut करूंगी और आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगी कि मैं कैसे अपने हेयर को कट करती हूँ. मैंने लास्ट टाइम जो हेयर कट किया था पार्लर में किया था, उस पर मैंने एक ब्लॉग भी बनाया. अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल में, वो ब्लॉग देखिए, और नहीं तो मैं वीडियो के एंड में वो दे दूंगी, आप देख लीजिएगा. सो या गाइस, इफ यू वांट टू नो हाउ आई अचीव दिस हेयर कट, देन लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइस, एज यू कैन सी माय हेयर इज दिस मच लॉन्ग, यहाँ तक आता है. सो फॉर हेयर कट फर्स्ट वी नीड इज सीजर. सीजर हैज टू बी वेरी वेरी शार्प. आई मीन जो भी आप सीजर यूज करेंगे, आई एम यूजिंग दिस किचन सीजर बाय द वे. ये हेयर कट सीजर नहीं है, या फिर होगा भी, आई डोंट नो. मैं मोस्टली किचन में यूज करती हूँ, कोई पैकेट या कुछ करना होगा तो. बट ये बहुत शार्प है तो मैं ये सीजर यूज करूंगी. आपको जैसा भी सीजर यूज करना है कीजिए, बट इट हैज टू बी वेरी वेरी शार्प. एंड सेकेंडली वी नीड हेयर कॉम या फिर हेयर ब्रश, वट एवर यू प्रीफर. आई मीन मैं दोनों लेके रखती हूँ, मुझे जो यूज करना होगा मैं वो कर लूंगी. एंड देन वी नीड सम क्लिप, एक छोटा सा क्लिप है क्लचर और एक बड़ा सा है, और वी नीड सम हेयर बर. सो या ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हेयर को पहले गीला कर लेते, वेट कर लेते, देन फिर हेयर कट करते हैं. मैं क्या करती हूँ, हेयर को पहले स्ट्रेट करती हूँ, स्ट्रेट करके देन फिर मैं हेयर कट करती हूँ. तो मैं ऑफ कैमरा हेयर को स्ट्रेट कर लूंगी, फिर मैं आपके सामने आती हूँ, देन फिर मैं डिटेल्स में दिखाती हूँ मैं कैसे अपने हेयर को कट करती हूँ. सो या सो गाइज, दिस इज माई हेयर लुक लाइक आफ्टर स्ट्रेटनिंग माई हेयर. जैसे कि यू कैन सी यहाँ पे जो लेयर था ये बहुत लॉन्ग हो गया, मैंने यहाँ तक पहुँच गया. यहाँ पे थोड़ा सा लेयर है और कुछ है नहीं, नॉर्मली स्ट्रेट है. और मैं थोड़ा सा ट्रिम करूँगी, बहुत ज़्यादा कट नहीं करूँगी, थोड़ा ट्रिम करूँगी और फ्रंट पे थोड़ा लेयर दूंगी, दैट्स ऑल. बहुत लोग मुझसे मेरा हेयर केयर रूटीन पूछते हैं, सो मैं जस्ट बताना चाहती हूँ कि माई हेयर रूटीन इज वेरी वेरी बेसिक. मतलब मैं कुछ भी फैंसी यूज नहीं करती हूँ, ना मैं कभी हेयर स्पा करती हूँ, ना मैं हेयर का कोई भी ट्रीटमेंट करती हूँ. हाँ, मैंने कलर किया था एक दो बार मेरा हेयर, दैट्स ऑल. मैं हेयर सिर्फ शैम्पू यूज़ करती हूँ, मैं कंडीशनर भी यूज़ नहीं करती, बिकॉज माई हेयर इज़ वेरी वेरी सिल्की, तो मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती हूँ. मैं क्या करती हूँ, हेयर शैम्पू करने से पहले, जैसे मैं कल अगर हेयर शैम्पू करूँगी, आज रात को मैं ऑयलिंग करती हूँ मेरे हेयर को. वो भी बेसिक जो पैराशूट ऑयल है, वो मैं कहीं पर पिक्चर डाल दूंगी जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ. तो बस वो ऑयल यूज़ करती हूँ रात को, देन फिर नेक्स्ट डे मैं शैम्पू कर लेती हूँ. और उसके बाद जब भी मुझे शैम्पू करना होता नेक्स्ट टाइम, वो मैं कुछ नहीं करती हूँ, ऑयलिंग नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मली शैम्पू करती हूँ, हेयर कंडीशनर भी यूज़ नहीं करती हूँ. और फिर उसके बाद जब मैं फिर से करती हूँ तो हेयर ऑयलिंग करके फिर मैं शैम्पू करती हूँ. और मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ना कोई मेडिसिन लेती हूँ, ना कि हेयर केयर का कोई यू नो टेबलेट्स लेती हूँ. बहुत कुछ है मार्केट में, मैं ऐसा कुछ भी नहीं लेती हूँ. मे भी ये जेनेटिक है, मेरे मम्मी का हेयर बहुत अच्छा है, मेरे भाई का भी हेयर अच्छा था, तो इसीलिए मैं भी. तो एनीवेज, हम अभी हेयर कट करेंगे. तो हेयर कट करने से पहले मैंने हेयर को मिडिल में मैंने डिवाइड कर लिया. आप कॉम के सहारे भी ऐसे करके मिडिल पार्ट कर सकते हैं. मैंने अपने नेल को यूज किया है. सो या तो मैं और एक बार मैं कर लेती हूँ ऑन कैमरा. अभी अपने हेयर के ये जो एरिया है, ये हेयर के जस्ट ऊपर से मैंने हेयर को ऐसे डिवाइड कर लूंगी. और मैं इसको ऊपर ऐसे क्लिप के सहारे इसको लॉक कर दूंगी हेयर को. और जो ये हेयर बचा है, ऐसे मैं सामने ले आई हेयर को, और देन फिर मैं मेरा हेयर ब्रश यूज करूंगी. नाउ आई विल कट माई हेयर. मैं जस्ट ट्रिम करूंगी, बहुत छोटा नहीं करूंगी बिल्कुल भी, जस्ट मैं ट्रिम करूंगी दिस मच आई गेस. हाँ, इतना मैं कट करूंगी. See.
I'll do the same thing in other side. मैं इसको भी ऐसे बीच में लाके मैं इसे बीच में ऐसे पकड़ के सी I'll cut. अभी मुझे ना थोड़ा सा ये ज्यादा दिख रहा है तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रेट करूंगी. By the way guys, अगर आप फर्स्ट टाइम हेयर कट करें तो आई वुड सजेस्ट गो विथ स्लोली. मैं थोड़ा थोड़ा हेयर कट कर करके आप स्टार्ट करो. सडनली आप एकदम बहुत लेंथ मत कट कर देना, नहीं तो बाद में आपको फिर यू नो मिलाते मिलाते आपका हेयर शॉर्ट हो जाएगा. देखो इट्स बिल्कुल इक्वल है दोनों साइड, तो इसको मैं ऐसे छोड़ूंगी. अभी मैं यहाँ से हेयर थोड़ा सा और निकालूंगी हेयर के जस्ट ये जो आईब्रो है मतलब आईब्रो के एंड पोर्शन है, यहाँ से मैं लाइन करके ऐसे लेके देन और इसमें मिडिल में पार्ट करके मैं सामने ले आऊंगी हेयर को. ये जो मैंने अभी जो हेयर सामने लाई पार्ट करके उसको भी पहले जो कट किया था उसके लेवल पे मैं कट करूंगी. ये पहले कट किया था, अभी उसका जो हेयर है ये है तो उसको मैं लेवल करूंगी. सी एज यू कैन सी आई एम गोइंग टू सी. अब सेम थिंग मैं दूसरे साइड में भी करूंगी. अभी मैं दोनों साइड के जो हेयर है इसको मैं ऐसे बीच में लाऊंगी. बीच में लाके देन देखूंगी नीचे अगर अनइवन है तो, या फिर छोटा बड़ा हेयर कुछ ना हो, आई मीन एक साइड का छोटा और बड़ा ना हो, तो उसको थोड़ा सा मैं शेप दूंगी, आई मीन ट्रिम करूंगी. सी इट्स इक्वल नाउ. अब ये हेयर को मैं पीछे करूंगी. ये पीछे का जो लेंथ है लास्ट लेंथ है वो लेंथ है ये वो हेयर है. और हाँ और एक बात, शायद आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत लोग ये सामने से हेयर ला के अगर मैं कट करूंगी तो फिर पीछे जाएगा तो कैसे दिखेगा वो, तो पीछे जाएगा तो एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा सा इस टाइप का शेप होगा, एकदम यू शेप ही नहीं, लाइक दिस यू नो. आईब्रो के जस्ट थोड़ा ऊपर से यहाँ से मैं हेयर को डिवाइड करूंगी. एंड देन अगेन बीच में ऐसे डिवाइड करके जो भी हेयर हमने निकाला उसको आगे ले आऊंगी. हेयर को पहले अच्छे से ब्रश कर लेना ताकि कोई नॉट ना रहे. थोड़ा सा है एज यू कैन सी, इसको कट कर लेना. एंड देन इसमें नहीं है बट as you can see it's level. तो मैं इस हेयर को पीछे कर दूंगी और ये जो हेयर है इसको मैं बीच में ऐसे मिडिल पार्ट करके आगे ले आऊंगी. और ये जो पीछे का हेयर अभी जो मैंने पीछे किया ये होगा हमारा फाइनल लेंथ.
सो पीछे का हेयर मैंने बांध लिया और ऊपर जो हेयर था उसको मैंने डिवाइड करके फ्रंट में ले आई. फ्रंट साइड एरिया को अभी मैं लेयर दूंगी. उससे पहले हेयर को मैंने ब्रश कर लेती हूँ. माय हेयर इज ऑलरेडी इन लेयर कट बट ये लंबा हो गया, उसको मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करूँगी. सो फ्रंट हेयर को लेयर देने के लिए मैं अपने नेल से पहले यहाँ से ये जो फ्रंट का हेयर है इसको मैं लूँगी. दोनों साइड इक्वल होना चाहिए. सो ये जो हेयर लिया है ये हेयर होगा हमारा फर्स्ट लेयर. मतलब आप कहाँ से लेयर स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं चिन से थोड़ा नीचे रखूंगी और पहले मैं एक साइड के हेयर को कट करूंगी. सो दिस इज विल बी आवर फर्स्ट लेयर. मैं इसको इतना तक रखूंगी आई गेस, यहाँ तक. तो ये हेयर को मैं कैसे कट करूंगी, स्ट्रेट नहीं कट करूंगी, इसको मैं इस तरीके से कट करूंगी ताकि वो लेयर दिखे. मैं ऐसा ऐसा मैं धीरे 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 सीजर को नीचे की तरफ ले लेके जा रही हूँ. सेम थिंग आई विल डू द दिस साइड. ओके, यहाँ के जो फर्स्ट जिस जो लेयर मैंने लिया वो लेके देन यहाँ के थोड़ा सा हेयर मैं सामने से लेके मैं पहले ऐसे कट करूंगी. एंड देन सेम थिंग मैं ये साइड भी दूंगी. पहले मैं जस्ट नॉर्मली ऐसे कट कर रही हूँ, बाद में मैं उसको और अगर छोटा करना है या फिर उसको और मिलाना है तो मैं बाद में करूंगी. ये लेफ्ट साइड का कट करना ना थोड़ा सा टफ है बट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. यप, सो दोनों साइड का हो गया. मैं इसको इक्वल करूंगी नाउ दोनों को ब्रश करके. देन ये थोड़ा सा लॉन्ग है एज यू कैन सी. ये साइड ये जो एरिया है साइड का और थोड़ा सा लेयर हिट करूंगी. फ्रंट का हो गया. अभी मैं इसी हेयर को थोड़ा सा ऊपर से फिर से डिवाइड करूंगी लाइक दिस. अपने जो ईयर है ना ये बिल्कुल ईयर के पास से मैं डिवाइड करूंगी इसको लाइक दिस. यस, तो सेम थिंग अभी जो मैंने लेयर दिया उसी लेयर को मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना इसको मैं एज यू कैन सी ये बहुत लॉन्ग है तो इसको मैं लेवल में लाऊंगी. गाइस मुझे मिरर में देखने के लिए ना थोड़ा इधर उधर होना पड़ रहा है तो प्लीज एक्सक्यूज फॉर दैट. आप देख रहे मैं कैची कैसे पकड़ू, ऐसे पकड़ू. I'll do the same thing in other side. ये थोड़ा लंबा है तो इसको मैं ऐसे करके ये साइड से कट करूंगी. मैं अभी दोनों साइड का मिला के देखूंगी इक्वल है कि नहीं. अगर नहीं है इसको थोड़ा सा कट करूंगी जैसे कि
ये थोड़ा सा लंबा है तो इसको मैं कट करूंगी। अभी मैं बाकी जो हेयर है वो सब ले आऊंगी सामने। अब मैं क्या करूंगी, जो बाकी हेयर है ना उसको भी मैं थोड़ा सा ये हेयर के लाइन में मैं अच्छे से उसको शेप दूंगी। ये बहुत सारा हेयर मैंने एक साथ लिया, सो बी केयरफुल, आई मीन सडनली कट मत करना, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके आप कट करना। आप बाद में मिला सकते हैं, बट स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कट कर दोगे तो आपका लेंथ चला जाएगा हेयर का। सो मैं मिरर में देख के कट करूंगी अभी। जैसे कि ये एरिया मुझे थोड़ा सा अनइवन लगा, ये जो एरिया है ये एरिया, इसको मैं थोड़ा सा कट करूंगी अभी। मैं सीजर को ऐसे पकड़ के देन मैं इसको कट करूंगी। मैं अभी जस्ट लेंथ नहीं छोटा कर रही, जस्ट मिला रही हूं मैं। ये जो लेयर है मैं लेयर को जस्ट इसको इवन कर रही हूं, मिला रही हूं। अब ये पोर्शन थोड़ा सा अनइवन लग रहा है तो मैं इसको मैं कट करूंगी अभी। अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ऐसे कट करने में तो आपको हेयर को ऑपोजिट साइड में ऐसे आप देख रहे, जैसे मैं ऑपोजिट साइड में हेयर को ले जा रही हूँ, ऐसे लेके देन फिर यू कैन कट लिटिल मोर। फिर भी मैं सीजर को ऐसे पकड़ के ही कटूंगी, ऐसे नहीं कट करूंगी मैं, ऐसे ही कट करूंगी। Now I'll do the same thing in my other side. Just have a look the difference between this side and this side. ये मैंने कट किया, but ये देखो। तो मैं कैची को ऐसे पकड़ के then धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके, हाँ जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, not बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट ले जाऊंगी लाइक दिस एंड देन मैं यहाँ पे कट करूंगी लाइक दिस। ऐसे नहीं, ऐसे मैं बार बार बोलती हूँ, कोई भी हेयर अगर आप सिर्फ पीछे का जो पोर्शन है उसको आप स्ट्रेट कट करना है, बाकी जो भी हेयर आप कट करेंगे आप इस तरीके से करेंगे, या फिर नीचे के अगर आप नीचे लेयर दे रहे हैं तो नीचे, जैसे कि मैंने ऑपोजिट साइड में लेके आई तो मैं इस तरीके से इसको कट करूंगी। आई थिंक ये देखो थोड़ा अनइवन लग रहा है, अंडरस्टैंड, ये देखो हेयर, तो मुझे ये कट करना है, इसको मुझे कट करना है, तो मैं यहाँ से ऐसे कट कर लूँगी इसको, तो मैं यहाँ से इसको ऐसे कट करूँगी धीरे धीरे।
मुझे ये पोर्शन मिलाना है तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लेके देन फिर कट करूंगी लाइक दिस। डन। अब मुझे ये पोर्शन में थोड़ा सा लेयर देना है, राइट? ये पोर्शन में तो मैं ऐसे पकड़ के यहां से मैं कट करूंगी, यहां से। अभी मैं दोनों साइड को फ्रंट में ऐसे लेके देन इसका जो एंड है उसको मैं इक्वल करने की कोशिश करूंगी, जैसे कि एंड इसको मैं स्ट्रेट कट करूंगी इसमें। अभी मैं क्या करूंगी, ये जो क्राउन एरिया है यहाँ पे अपने नेल से मैं पूरा क्राउन एरिया का जो हेयर है इसको मैं लूंगी पहले, इसको मैं क्लिप से पहले बांध लेती हूँ। पीछे का हेयर मैंने बांध लिया और ये जो क्राउन एरिया का हेयर है ये जो फ्रंट है मैं इसको हाफ कर लूंगी, दो दो पोर्शन में इसको डिवाइड करूंगी क्राउन एरिया का हेयर लाइक दिस। और ये फ्रंट वाला पोर्शन है क्राउन एरिया का जो हेयर है उसको मैंने दो पार्ट किया, ये एक फ्रंट में बांधा और एक पार्ट मैं पीछे बांधूंगा। अभी जब हम फ्रंट में जो हेयर टाई किया था तो ये जो दो पार्ट किया था फ्रंट पार्ट का जो हेयर है इसको हम लेंगे पहले, लेके इसको पहले ब्रश करेंगे। इसको ब्रश करके देन स्ट्रेट इसको पकड़ेंगे, स्ट्रेट पकड़ के सी, हाँ बहुत लंबा है तो इसका जो देखो ये हेयर को हम कट करेंगे। Then again we'll do the same thing. तो मैं ये फ्रंट का हेयर पहले ना क्लिप से या फिर कुछ चीजों से बांध लेती हूँ बिकॉज बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। Okay. Now again we'll do the same thing. हेयर को पहले ब्रश कर लूंगी मैं अच्छे से ताकि कोई नॉट ना रह जाए और देन एकदम टॉप में पकड़ूंगी मैं, टॉप में पकड़ के तब मैंने स्ट्रेट कट किया था। अब मैं थोड़ा सा ऐसे इस टाइप से करूंगी जैसे हमने लेयर दिया था ना सेम, और ये चीज मैंने फिर से हमें दोबारा करना है अगेन एंड अगेन। थोड़ा सा मैंने एंगल शेड दिया देखा एंगल ताकि ना वो पीछे वो लेयर दिखेगा। नाउ आई ओपन सेकेंड पार्ट, पीछे जो एक पार्ट बांधा था ना हम अभी वो ओपन करूंगी मैं, पीछे का जो पार्ट है उसको भी मैं अच्छे से ब्रश कर लूंगी। और अभी दोनों पार्ट को मैं एक साथ लूंगी, दिस पार्ट एंड प्रीवियस जो सेकेंड पार्ट था वो पार्ट दोनों एक साथ लेके दोनों हेयर मिला के एक साथ ब्रश करूंगी पहले। थोड़ा फ्रंट की तरफ लाके देन अगेन आई डू द सेम थिंग, यू नो उंगली में हैंडल करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इट्स ओके मैं इसको अनइवन जो भी हेयर है इसको इक्वल करूंगी, इवन करूंगी देन। अब मैं सारे हेयर को एक साथ सामने ले आऊंगी पहले।
मैं इसको थोड़ा और छोटा करूंगी, ये जो फ्रंट का जो पीस है। सो गाइज, ऑफ कैमरा मैंने थोड़ा सा हेयर को स्ट्रेट किया ताकि यू कैन सी द लेयर्स यू नो अच्छे से। सो एज यू कैन सी दिस इज द स्मॉलेस्ट लेयर, और मैं अभी मुझे अगर लगेगा कहीं से मुझे कुछ यू नो ट्रिम करना है तो मैं अभी आपके सामने करूँगी। हेयर को स्ट्रेट करने के बाद हमारा हेयर कट हो गया, बट मुझे कहीं अगर लगा कि थोड़ा टच की ज़रूरत है देन आई विल डू दैट। अभी आई थिंक I'm gonna cut this hair. ये थोड़ा सा लॉन्ग लग रहा है ना, जैसे कि इसका देखो लेयर कितना अच्छे से ये लेयर आया, तो इसका भी बहुत अच्छे से आया, बट ये फ्रंट का थोड़ा सा ये लेयर मुझे लग रहा है थोड़ा कट करना है, तो I'll do that now. See guys, layer. I'm so happy with the overall look. So guys, this is my technique how I cut my own hair. There is no special technique. ऐसे मैं अपने हेयर को कट करती हूँ, आप भी इजीली घर पे कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम हेयर कट कर रहे हो देन आई वुड सजेस्ट टेक समवन्स हेल्प, और अगर आप कॉन्फिडेंट हो देन आप इजीली कट कर सकते हो जैसे मैंने कट किया है। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। सो या गाइस, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। That's it for today's video. Please do subscribe to my channel and hit that notification bell icon ताकि आप मेरा कोई भी video miss ना करें. And अगर आपको ये video अच्छा लगा then please like this video and share with your friends and family and comment करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये जो hair look है ये आपको कैसा लगा. And see you in my next video guys. Bye.